आपने अक्सर कुछ ऐसे पोर्शंस में जहाँ पर किसी जगह का पानी रुकता हो या तालाब के किनारे कुछ इस तरीके के पौधे देखे होंगे जो देखने में जिनकी फॉलिएज बड़ी बड़ी होती हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े सुंदर खूब फ्लावर भी लगते हैं। वैसे जनरली अगर जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पे तो लोग कहते हैं कि ये तो भैया एक मतलब इन्वेसिव स्पीसीज टाइप की है कि मतलब ये अपने आप उगाती है और जहाँ उगती है वहाँ पे ढेर सारा मतलब पूरा जंगल बना देती है। तो जंगल का कारण मेन होता है कि एक राइजोमेटस फैमिली का प्लांट है, मतलब इसमें आप देखते हैं नीचे से राइजोम्स निकलती हैं और एक राइजोम से नए प्लांट, फिर वो प्लांट बड़ा होगा, फिर मदर प्लांट से दूसरा प्लांट, इस तरीके से ग्रो करता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, एक कहते नहीं जंगल से लग गया या एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेता है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये आपका कन्ना लिली का प्लांट है जिसे केली का फूल भी कहते हैं। जनरली अगर आप देखें तो जो केले का पौधा होता है उसी तरीके से इसकी पत्ते भी होते हैं, बस केले के थोड़े बड़े हो जाते हैं ज़्यादा, इसकी थोड़े से छोटे होते हैं, फूल का साइज़ लगभग एक जैसा होता है। और अगर बात करें आप हल्दी के पौधे की तो हल्दी का पौधा भी इसी कन्ना लिली के प्लांट की तरह ही होता है, उसमें भी फ्लावरिंग आती है। अच्छा, कन्ना लिली की अगर बात करें तो कन्ना लिली आपका ये येलो के अलावा जिसमें पैचेस मिल रहे हैं ऑरेंज कलर के, आपको कम्प्लीटली ऑरेंज कलर का भी मिल जाएगा और लाइट येलो में भी मिल जाएगा और इसके अलावा रेड कलर में भी मिल जाएगा। इसकी कुछ वैरायटी आपको वाइट कलर की मिलेंगी, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो वाइट कलर की वैरायटी होती है कन्ना लिली की, ये जनरली कोल्ड रीजन्स में होता है, ठंडे क्षेत्रों में ये मिलता है। अगर आपको अपने टेरिस गार्डन में खूबसूरती बढ़ानी है और चाहते हैं कि मतलब कम प्लांट लगा करके क्या हो आपका पूरा गार्डन हरा भरा रहे, उसमें फ्लावरिंग भी आए, अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो हरियाली बनी रहे, तो उसके लिए आपका ये बेस्ट चॉइस हो सकता है दोस्तों। इसकी बड़ी बड़ी फॉलेज तो एक ग्रीनरी प्रोवाइड करती हैं और उस एरिया को पूरा हरा भरा भी कर देती हैं, देखने में वह काफ़ी ये खूबसूरत लगता है। बिना फ्लावर के टाइम फ्लावर के फ्लावरिंग के ही भी अच्छा लगता है देखने में। अगर इसको आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको ट्यूबर से ग्रो कर सकते हैं, या जनरली आप अगर किसी पार्क वगैरह में देखिए तो ईजिली आपका ये मिल जाता है। आप वहाँ से क्या करिए, एक छोटा सा प्लांट वहाँ से उखाड़ लाइए और इसको प्लांट कर दीजिए गमलों में। ये हाईली फीडर प्लांट है, मतलब इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता है क्योंकि फॉलीज इसकी बड़ी बड़ी होती हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिएट ज़्यादा इसमें होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में हो सके आप इसे 20 दिन में, हर 20 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वैसे जनरली आपका जो गोबर की खाद होती है सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र मानी जाती है, और कोशिश ये करिए कि हफ्ते में एक दिन इसकी गुड़ाई कर दी जाए, वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। गुड़ाई के अलावा इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नमी अच्छी खासी बनी रहे। अगर आप गमले में इसको यूज लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल तो रहती रहती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहे, कुछ सॉइल अगर आप इसमें ऐसा ऐड कीजिए कि अगर इसमें आप कोकोपीट अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो कोकोपीट होता है वो मॉइस्ट को कंटेन अपने साथ में रखता है और इसको नमी बहुत अच्छी लगती है। तो जनरली ऐसे प्लेस पे इसको प्लांट कीजिएगा जहाँ पर गर्मी में 4 से 5 घंटे की धूप इसको मिले, बहुत सफिशियंट है इसके लिए, ज़्यादा देर की धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर इसमें फ्लावरिंग हो जा रही है तो फ्लावरिंग के बाद में आपको ध्यान देना है कि ये जो स्टॉक इस तरीके से निकल जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, इनको आपको रिमूव कर देना है। क्योंकि एक बार जब पूरा फ्लावरिंग, जैसे बंच होता है, इस बंच में अगर एक बार पूरी फ्लावरिंग हो गई तो उसके बाद में फिर उसमें फ्लावर नहीं आना है, तो वो जंगल की तरह आपका पड़ा ही रहेगा। तो उससे अच्छा क्या करिए, आप इसको रिमूव करिए, नए नए स्टॉक्स फिर से निकलेंगे और उसमें नई नई फ्लावरिंग होती रहेगी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और ये जो इसके फ्लावर्स होते हैं, ये छोटी छोटी जो हमिंग बर्ड्स होती हैं इनको भी अपने पास में अट्रैक्ट करते हैं, तो आपके गार्डन में हो सकता है कोई हमिंग बर्ड भी आ जाए इसके फूलों का रस चूसने के लिए। तो ये था सारा कन्ना लिली के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को हमारे,
और कोई भी जानकारी चाहिए इस प्लांट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।